आइए हम लोग देखते हैं संकुल के रंग के बारे में, कॉम्प्लेक्स के कलर के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखें ध्यान से, जब श्वेत प्रकाश को, श्वेत प्रकाश मतलब जो सूर्य की लाइट होती है, सनलाइट जो होता है वह सफ़ेद कलर का होता है, जिसे श्वेत प्रकाश कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, ठीक है, तो उसका कुछ भाग अवशोषित हो जाता है और कुछ भाग परावर्तित हो जाता है। जब श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट, किसी वस्तु पर आपतित होता है तो उस श्वेत प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित हो जाता है और कुछ भाग परावर्तित हो जाता है। संकुल उस रंग का दिखता है जो कि उसके द्वारा अवशोषित किए गए रंग का पूरक होता है। संकुल किस रंग का होगा यह डिपेंड करेगा कि वह किस रंग को अवशोषित कर रहा है और उसका पूरक रंग क्या है, वह निर्धारित करेगा संकुल के कलर को। ठीक है, तो संकुल उस रंग का दिखता है जो कि उसके द्वारा अवशोषित किए रंग का पूरक होता है। ठीक है, संकुल उस कलर का दिखेगा जो कलर उसके द्वारा अवशोषित किए गए कलर का पूरक होगा, उसी कलर का संकुल दिखेगा। जैसे अगर अवशोषित प्रकाश लाल रंग का है तो संकुल नीला दिखेगा, क्योंकि लाल का पूरक जो है वह नीला है। ठीक है, यदि अवशोषित प्रकाश पराबैंगनी है तो संकुल जो है हल्का पीला दिखेगा। यदि अवशोषित प्रकाश का रंग पीला है तो संकुल जो है बैंगनी दिखेगा, और यदि अवशोषित प्रकाश का रंग नीला हरा है तो संकुल जो है नीला लोहित दिखेगा। यदि अवशोषित प्रकाश का रंग नीला है तो संकुल पीला नारंगी दिखेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि जो संकुल है वह जिस कलर को अवशोषित करेगा उसका जो पूरक रंग होगा वही कलर संकुल का रंग होगा। अगर अवशोषित कलर लाल है तो संकुल नीला दिखेगा, यदि पराबैंगनी है तो हल्का पीला, यदि पीला है तो बैंगनी, और नीला हरा है तो नीला लोहित, और नीला है तो पीला नारंगी दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि जब श्वेत प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो उसका कुछ भाग अवशोषित हो जाता है और कुछ भाग परावर्तित हो जाता है। संकुल उस रंग का दिखता है जो उसके द्वारा अवशोषित किए गए रंग का पूरक होता है। ठीक है, तो लाल रंग का पूरक नीला होता है, इसलिए अगर लाल रंग का संकुल अवशोषित करता है तो उस संकुल का कलर नीला होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके संकुल के रंग के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि यह जो रंग आता है, कलर आता है, ये क्यों आता है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर कैसे इसको समझाएंगे। तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार यह संकुल का कलर जो है वह डीडी संक्रमण के कारण होता है। ठीक है, डीडी संक्रमण के कारण जो है संकुल का कलर आता है, जिसके कारण वह रंगीन होते हैं। तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार ए संकुल डीडी संक्रमण, ठीक है, जो लोअर ऑर्बिटल होते हैं जिनकी ऊर्जा कम है, जैसे आपने देखा था T2g, और जिनकी ऊर्जा अधिक है जैसे Eg, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके यहाँ पहुँच जाता है। लोअर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में पहुँच जाता है। तो यह जो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में डीडी संक्रमण हो रहा है, इसी के कारण कलर आता है। ठीक है, तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार ए संकुल डीडी संक्रमण प्रदर्शित करते हैं और इसी कारण रंगीन होते हैं। इस प्रकार के संक्रमण में धातु की निम्नतम ऊर्जा अवस्था से एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उपलब्ध उच्च रिक्त कक्षक डी में जाता है। तो डीडी संक्रमण में क्या होता है, तो आप देख रहे हैं कि डीडी संक्रमण में धातु की निम्नतम ऊर्जा अवस्था का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है, धातु के निम्नतम अवस्था का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लोअर एनर्जी लेवल का जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है यह उच्च एनर्जी लेवल में पहुंच जाता है।
उच्च रिक्त कक्षक डी में पहुंच जाता है, जिसे डीडी संक्रमण कहते हैं, और इसी के कारण संकुल में कलर आता है। ठीक है, यह बातें जो हैं आपने देखा किस आधार पर, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह थे आपके संकुल के रंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।